हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। और आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी 2019 में जो एग्जाम हुआ है, सो उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि संभवतः जो कट ऑफ है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो किन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, कितनी मेरिट तक कॉल किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, पहले की तरह जैसे पीजीटी में हुआ था कि एग्जाम देने ज्यादा लोग नहीं गए थे और सीटों के सापेक्ष वैसे भी एग्जाम बहुत जो लोगों ने दिया है, काफी लोगों ने एग्जाम छोड़े हैं क्योंकि 2 साल बाद ये एग्जाम हुआ था। सो बहुत से लोगों के पास तो कॉल लेटर ही नहीं, उनका मेल आईडी, किसी का मोबाइल नंबर मिस हो गया, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई, किसी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पाया। सो फाइनली मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जिनका एग्जाम अच्छा गया है, और अगर उन्होंने थोड़ा सा भी अटेम्प्ट किया था, थोड़ा सा भी उनका प्रयास अच्छा चल रहा होगा तो फाइनली उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। सो जो एनालिसिस किया गया है, जिस प्रकार से जो पेपर आया था, लिटरेचर का पार्ट तो टीजीटी का बहुत बढ़िया था, उसको डिफिकल्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एनालिटिकल थे और ग्रामर का भी पोर्शन, ग्रामर का पोर्शन जो था वो रियली डिफिकल्ट था, काफी डीप पूछा गया, घुमावदार पूछा गया, जिसमें जो प्रिपरेशन कर रहे थे कैंडिडेट्स उनको भी काफी प्रॉब्लम हुई है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि इंटरव्यू के लिए ज्यादा हाई फाई कट ऑफ नहीं जाएगी, और जिन्होंने अपना प्रयास अच्छे ढंग से किया है तो उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। सो वो लोग पॉजिटिव रहें और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहें, प्रिपरेशन रखें, फिर भी देखेंगे कि इस कट ऑफ में क्या संभवतः कट ऑफ जा सकती है। तो ये सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो जनरल मेल का है, अगर उनका 90 से 95 तक है, इनफैक्ट एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, ये फाइनली नहीं कहा जा सकता है, ये तो ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट आने पर ही पता लगेगा। फिर भी ये मैं बताना चाहूंगी जो एनालिसिस किया गया है उसके आधार पर कि जो जनरल मेल है वो अगर 90 है और 95 अगर एबव है तो उसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर उसका जो ऑप्टन मार्क्स है वो 90 पहुंच रहा है तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, एक दो नंबर 88 भी हो सकता है, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है। सो आप लोग थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करें, और जनरल फीमेल 85 से 90 तक, और एक दो नंबर मैं फिर से कह दूं कि एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, जनरल फीमेल 85 से 90 तक इंटरव्यू के लिए उन्हें कॉल किया जा सकता है। और ओबीसी मेल अगर 80+ है, 80+ उनके मार्क्स हैं या उन्होंने पेपर 80+ का किया हुआ है तो फाइनली उन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और ओबीसी फीमेल अगर 75+ है, 75 या 75+ है तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है उनको और किया जाएगा। और एससी मेल है, 70+ है अगर उनका, तो उनको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। एससी फीमेल 65+ और ST 55 में इंटरव्यू की मेरिट आ सकती है। फ्रेंड्स, जो मेल फीमेल का दो चार कट ऑफ जो मार्क्स है, दो चार नंबर का इधर उधर हो सकता है, ये तो कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता है, एक दो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सा अगर आपके प्लस में हैं, आपके मार्क्स पॉजिटिव हैं तो जो इंटरव्यू के लिए उसका बेनिफिट बहुत मिलता है और एक जो सिलेक्शन का चांस होता है वो श्योर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों को कि जो लोग हमारे एनालिसिस के अनुसार इस निर्धारित कट ऑफ के आधार पर आ रहे हैं तो वो लोग कोई टेंशन ना लें और अपने लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि अगर जिनका 100+ है, जा रहा है, अगर उनका 100+ मार्क्स हो रहा है तो अगर कहीं ना कहीं इंटरव्यू को फेस करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उसका उन्हें बेनिफिट मिलता है कि उनका रिटन में जो एग्जाम में है, अगर उन्होंने ऑप्टन मार्क्स उनका अच्छा है तो वो बेनिफिट उन्हें मिल जाता है। सो ये हमारी अनुमानित कट ऑफ थी, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने कट ऑफ मार्क्स बता सकते हैं। अभी तक जो भी देखा गया है वो इसी आधार पर मेरिट गिरने के पूरे पूरे चांस हैं, तो पॉजिटिव रहे फ्रेंड्स, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और बिल्कुल भी निगेटिव ना सोचें। इसके साथ ही आप लोग आगे के लिए प्रिपेयर रहें, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।